हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, हम साइंस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। क्या पढ़ेंगे हम? फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, यानी एनिमल क्या फीड करते हैं, फीड यानी क्या खाते हैं वो, और जो जो वो चीज़ खाते हैं, या तो प्लांट के प्रोडक्ट खाते होंगे, या एनिमल्स को खाते होंगे, यानी मीट को खाते होंगे, फ्लैश को, उसके आधार पर एनिमल्स के फीडिंग हैबिट के आधार पर एनिमल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट। हम जानते हैं कि एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बना सकते जैसे प्लांट बनाते हैं, क्योंकि प्लांट कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। और प्लांट को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट टू गेट फूड। और हम जानते हैं कि एनिमल किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, या तो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। और हम जानते हैं कि हर एनिमल की खाने की जो हैबिट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। दीज बॉडी आर डेवलप टू सूट देयर फीडिंग हैबिट, क्योंकि उनके खाने की आदत के कारण ही उनकी बॉडी उस तरह से क्या होती है, डेवलप रहती है, कि वो कैसा दौड़ते हैं, किस तरह के उनके दांत होते हैं, इन सब के आधार पे उनकी फीडिंग हैबिट फिक्स होती है। और फूड के आधार पे एनिमल्स को तीन भागों में बांटा गया, ये आपने पहले भी पढ़ा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। क्या क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो सबसे पहला है हर्बीवोरस, तो यहाँ से हम डेफिनेशन है, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस और हर्बीवोरस एनिमल। यानी वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को, या तो प्लांट से बनी हुई प्रोडक्ट को या चीज को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। जैसे काऊ है, डियर है, बटरफ्लाई है, स्क्वायरल है, जेब्रा है, बफेलो है, ये सारे एनिमल्स कौन से हैं, हर्बीवोरस। क्यों? क्योंकि काऊ, डियर, जेब्रा, बफेलो, ये सब क्या खाते हैं, या तो ग्रास को खाते हैं या प्लांट को खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प फ्रंट कटिंग टीथ, इनके आगे के दांत क्या होते हैं, तीखे होते हैं और काटने वाले दांत होते हैं। हर्बीवोरस आर कंप्लीट कंपेरेटिवली एलोब्रेटेड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज दे नीड टू ब्रेक डाउन लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोस। और जो हर्बीवोरस होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव यानी दांत होते हैं वो तो तीखे होते ही हैं, और उनका जो पाचन तंत्र है यानी उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। और एलोब्रेटेड का मतलब बहुत ही लंबा होता है और या बहुत ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। और लंबा होने के कारण, क्योंकि आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो प्लांट के जो प्रोडक्ट है यानी ग्रास है, उसको पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और मांस यानी मीट को पचाने में क्या नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बहुत एलोब्रेटेड यानी बड़े होते हैं, क्योंकि इनको किसको ब्रेक करना पड़ता है, सेलुलोस को ब्रेक करना पड़ता है, जो किस में पाया जाता है, प्लांट के प्रोडक्ट में पाया जाता है। ए जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, हम जानते हैं कि जिराफ के क्या होती है, लंबी गर्दन होती है। क्यों होती है लंबी गर्दन? ताकि वो प्लांट के प्रोडक्ट को खाने के लिए हायर ब्रांचेस यानी बड़े बड़े पेड़ों के जो ब्रांच होते हैं, टहनियाँ होती है, उनमें से वो प्लांट के प्रोडक्ट को क्या कर सके, खा सके। उसके बाद स्क्वायरल्स यानी गिलहरी एंड रेट, रेट यानी चूहे, हैज ए पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज फ्रंट टीथ, जिनके आगे के दांत बहुत क्या होते हैं, तीखे होते हैं, दो दांत होते हैं जो तीखे होते हैं, टू ग्नाउ हार्ड फूड सच एज नट्स, यानी कि वो हार्ड फूड को क्या कर सके, तोड़ सके। इसके लिए उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के फ्रंट भी कितने टीथ, आगे के जो पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जो दो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो किसी को भी क्या कर सके, गनाव का मतलब होता है दांत से काटना, यानी कि वो दांत से क्या कर सके, काट सके, जैसे नट्स को भी काट सकते हैं। आगे बटरफ्लाई एंड हमिंग बर्ड हैव ए स्ट्रॉ लाइक मत, और फिर उसके बाद जो बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड जो चिड़िया होती है, उनके आगे क्या होते हैं, स्ट्रॉ की तरह होते हैं, उनकी चोंच हैव माउथ यानी टू सक नेक्टर, ताकि वो क्या कर सके, किसको सक कर सके, फ्लावर में से किसको सक कर सके, नेक्टर को, और नेक्टर से बटरफ्लाई क्या बनाते हैं, हनी बी, और ये उनको सक करके क्या करते हैं, अपने भोजन की पूर्ति
करते हैं, और उसके बाद जो हनी बी है वो नेक्टर से क्या बनाता है, हनी को बनाता है। दे डू नॉट हैव टीथ एज दे हैव टू टेक इन फॉर्म लिक्विड फूड, और इन दोनों के क्या नहीं होते, दांत नहीं होते, टीथ नहीं होते, क्योंकि इनको क्या लेना है, लिक्विड फूड ही लेना है और लिक्विड फूड ही खाना है, इसीलिए इनके क्या नहीं होते, दांत नहीं होते। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनको अलग अलग तरह के फीडिंग हैबिट है। अगला है कार्निवोरस, एनिमल दैट ईट फ्लैश। कार्निवोरस की डेफिनेशन क्या है, वो एनिमल जो मांस को खाते हैं यानी फ्लैश को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। इसमें लॉयन है, टाइगर है, वल्चर है, स्नेक है, स्पाइडर है, ईगल है ना, ये सारे कौन से एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है। दीज एनिमल हैव शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके बहुत तीखे दांत होते हैं, टू ग्रिप देयर प्रे, ताकि वो प्रे यानी क्या होता है, शिकार, ताकि वो अपने शिकार को अपने दांतों से क्या कर ले, पकड़ ले, एंड टीयर, और उसके बाद टीयर यानी फाड़ना, और उनको क्या कर दे, फाड़ दे। फिश एंड शार्क हैव रो ऑफ पॉइंटेड शार्प टीथ टू बाइट ऑफ द चंक ऑफ मीट, और फिश और जो शार्क मछली होती है उनके भी क्या होते हैं, तीखे पॉइंटेड दांत होते हैं, ताकि वो भी मीट को क्या कर सके, चबा चबा के खा सके। चेमेलियंस एंड फ्रॉग हैव स्टिकी टंग, चेमेलियन यानी वो जो रंग बदलने वाला गिरगिट होता है, और फ्रॉग यानी मेंढक, इनके भी जो टंग होते हैं, टंग यानी जबान, वो क्या होती है, स्टिकी होती है, स्टिकी यानी चिपकने वाली होती है, टू कैच प्रे, ताकि वो क्या कर सके, अपने शिकार को पकड़ सके। स्पाइडर वीव्स वेब एंड ट्रैप इंसेक्ट, और स्पाइडर क्या करता है, जाल बनाता है, जाल बनाता है, वीव यानी बुनना और वेब यानी जाल, ताकि वो इंसेक्ट को उसमें क्या कर सके, ट्रैप यानी पकड़ सके। अगले टाइप के जो एनिमल है वो क्या है, ओमनीवोरस, क्या है, ओमनीवोरस, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खा जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, और ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस एनिमल। तो इसमें आएगा क्रो, बियर, कॉकरोच, डॉग, ह्यूमन बींग, हम भी क्या है, ओमनीवोरस है। ह्यूमन बींग में भी बहुत सारे क्या होते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाते हैं। देयर टीथ आर सूटेबल टू ईट वेराइटी ऑफ फूड, और उनके दांत ऐसे बने हुए होते हैं कि वो अलग अलग तरह के क्या कर लेते हैं, खाने को खा लेते हैं। अब सम ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल, कुछ ओमनीवोरस और कार्निवोरस एनिमल है जो डेड बॉडी को खाते हैं, यानी मरने के बाद, जानवर जब मर जाते हैं उसके बाद खाते हैं। कुछ ओमनीवोरस और कुछ कार्निवोरस ऐसे हैं जो डेड बॉडी को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केवेंजर्स, क्या बोलते हैं, स्केवेंजर्स, यानी जब इंसान मर जाता है या जानवर मर जाते हैं तो उनको खाते हैं, तो उनको स्केवेंजर बोलते हैं। उनमें क्या है, वल्चर्स, हायनास, क्रॉस, जैकल्स, ये सारे क्या है, स्केवेंजर है। अब स्केवेंजर की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि स्केवेंजर उनको खा के हमारे वातावरण को क्या कर देते, क्लीन यानी शुद्ध कर देते। ये देखो, ये वल्चर का फोटो दे रखा है, ये स्केवेंजर है, तो ये इनके स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब ये मरे हुए को खा जाते हैं तो उसके साथ अगर बैक्टीरिया भी आते हैं तो वो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है स्पैरोफाइट्स, अगला जो एनिमल है वो क्या है, स्पैरोफाइट्स यानी ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड स्पैरोफाइट्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनको नरिशमेंट यानी जिनको न्यूट्रेंट किससे मिलते हैं, डेड मरे हुए ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पैरोफाइट्स बोलते हैं। स्पैरोफाइट्स के एग्जांपल क्या है, फंगी और क्या है, बैक्टीरिया, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो इतने छोटे हैं जिनको हम हमारी आँखों से नहीं देख सकते, और ये डीकम्पोजर का भी काम करते हैं। डीकम्पोजर का मतलब जो तोड़ देते हैं डेड एनिमल को छोटे छोटे पीस में, और किस में मिला देते हैं, उनको सॉइल में मिला देते हैं, और सॉइल में मिलाने के कारण उन डेड एनिमल में जो कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है वो वापस रिटर्न हो जाता है। कहाँ पे रिटर्न हो जाता है, इन्वायरमेंट में रिटर्न हो जाता है। आप देखते हो कि कुछ जानवर जब मर जाते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको कौन खा जाते हैं, ये डीकम्पोजर या जिनको हम स्पैरोफाइट्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया या फंगी, वो इनको क्या, ख़त्म करके इन्वायरमेंट से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अगले टाइप के जो एनिमल है वो क्या है, पैरासाइट्स, क्या है, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या है, एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, दैट लिव ऑन एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव
ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो या तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, ऑन यानी ऊपर, या इनसाइड यानी अंदर रहते हैं, और फिर उनमें से वो क्या निकाल लेते हैं, नरिशमेंट निकाल लेते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट के एग्जांपल एक तो लाइस और एक क्या, हुकवाम। या तो ये हमारे बॉडी के ऊपर रहेंगे या हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे। बॉडी के ऊपर रह के भी ये हमारे बॉडी में से न्यूट्रिएंट को निकाल सकते हैं और अंदर जाके भी हमारे न्यूट्रिएंट को यूज करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द न्यूट्रिशन इज ऑब्टेंड इज कॉल्ड होस्ट। यानी ये लोग जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मान लो किसी एनिमल के अंदर है ये, तो वो एनिमल क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा। होस्ट का मतलब ये उनका शिकार है, इसके अंदर ये लाइस या तो हुकवॉर्म है। द पैरासाइट ड्रॉन इट्स फूड, तो ये जो पैरासाइट है वो अपना भोजन इस होस्ट के अंदर से ले लेंगे, लेकिन कॉज हार्म टू द होस्ट, और कई बार उनको क्या कर सकते हैं, वो हानिकारक, हानि भी पहुंचा सकते हैं। हार्म यानी हानि भी पहुंचा सकते हैं। मान लो हमारे अंदर कोई कीड़ा या वॉर्म चला गया हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर से वो अपने फूड को ले लेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हम क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे, और कई बार हम उनके कारण बीमार पड़ जाएंगे, तो वो हमें क्या करते हैं, हार्म भी पहुँचाते हैं। पैरासाइट विच लीव एक्सटर्नली, यानी पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, और इंटरनल का मतलब होता है अंदर। इंटरनल यानी अंदर, एक्सटर्नल यानी बाहर रहेगा, किसी भी होस्ट के अगर बाहर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट तो वो है जो अंदर भी रह सकता है बाहर भी, लेकिन एक्टोपैरासाइट वो है जो बाहर रहता है। तो बाहर कौन रहता है, हेड लाइस और फ्लीस, ये सब क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है, क्या क्या एग्जाम्पल, हेड लाइस और फ्लीस, ये एक्टोपैरासाइट। अब वो पैरासाइट जो इनसाइड यानी अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट, यानी जो अंदर रहते हैं उनको एंडोपैरासाइट, जो बाहर रहते हैं उनको एक्टोपैरासाइट। अब अंदर कौन रहते हैं, टैप वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म और प्लास्मोडियम, यानी जो मलेरिया का जो पैरासाइट है ना, वो भी क्या है, एंडोपैरासाइट। तो इनमें से ये वाला तो है एक्टो, बाहर रहता है, ये है एंडो यानी अंदर रहता है। तो मलेरिया भी जब हमें मच्छर खाता है तो वो पैरासाइट अंदर चला जाता है, फिर हमारे बॉडी के अंदर रहता है और हमें क्या करता है, मलेरिया बीमारी देता है। अब ये कुछ आंसर हम लिख सकते हैं, एनिमल दैट ईच फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, वो एनिमल जो दूसरे का मांस खाते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, CARNIVORES, कार्नी। स्पाइडर वीव डैश एंड ट्रैप, स्पाइडर क्या बुनता है, वेब, वेब यानी जाल। स्पाइडर क्या बुनता है, जाल को, और इंसेक्ट को ट्रैप कर देता है। बैक्टीरिया एंड फंगी आर, बैक्टीरिया और फंगी क्या है, डी कंपोजर, क्या है, डी कंपोजर, DECOMPOS, डी कंपोजर यानी जो चीजों को खत्म करने वाले। इन्वायरमेंट को कौन क्लीन करता है, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर का मतलब जो डेड एनिमल्स को खाकर इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। स्कैवेंजर का एक एग्जांपल वल्चर, क्या है, वल्चर, VULTURE, क्या है, VULTURE, वल्चर। तो आपने देखा होगा, ये एग्जांपल हमने देखा था, ये फोटो स्कैवेंजर का, तो ये वल्चर है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, वल्चर लिखना ही जरूरी नहीं है, वल्चर लिख सकते हो, हाइनास लिख सकते हो, क्रो, कौवा भी है, वो भी क्या है, स्कैवेंजर है। तो इस तरह हमने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सा हमारा चैप्टर रह रहा है जो हम अगले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि आप इनको लर्न कर सको और अपनी बुक में, कॉपी में लिख सको। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहला करेक्ट ऑप्शन करते हैं। द प्लांट प्रोडक्ट विच एड फ्लेवर टू द फूड, यानी प्लांट का वो प्रोडक्ट जो खाने में फ्लेवर लाता है, फ्लेवर का मतलब टेस्ट लाता है। तो खाने में टेस्ट कौन लाता है, आपको पता है ना कौन सा प्लांट का प्रोडक्ट है जो खाने में टेस्ट लाता है, स्पाइसेस, स्पाइसेस यानी मसाले, मसाले से क्या आता है, खाने में टेस्ट आता है। ए रूट वेजिटेबल अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से हमें बताना है जो रूट है, रूट का मतलब जड़, तो हमें पता है जड़ कौन सा है, कैरेट, कैरेट का मतलब गाजर, ये जड़ है, बाकी कोई भी जड़
नहीं है। एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब क्या होता है? एपिकल्चर का मतलब होता है हनी बीस। हनी यानी जो हनी कलेक्ट करने वाले बीज हैं उसके द्वारा जो कल्चर किया जाता है उनको एपिकल्चर बोलते हैं। विच ऑफ दीज इज ए स्टेम वेजिटेबल, इनमें से स्टेम वाला वेजिटेबल कौन है? स्टेम, तो स्टेम वाला वेजिटेबल है पोटैटो। कौन सा है? पोटैटो। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर, प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बाकी सब तो प्लांट से अपना भोजन लेकर खाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिश इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट ऑफ पीपल इन डैश एरिया, यानी मछली कौन से एरिया के लोग खाने में ज़्यादा खाते हैं? तो कौन से एरिया के लोग? कोस्टल। कोस्टल का मतलब जो समुद्र के पास में रहते हैं, जो समुद्र के पास में रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो मछली खाने में ज़्यादा खाते हैं। टी इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द डैश ऑफ प्लांट, हमें जो चाय मिलती है वो चाय की कौन से पार्ट से मिलती है? प्लांट के कौन से पार्ट से? तो लीफ। लीफ यानी पत्तियाँ, एल ई ए एफ, पत्ती, चाय की पत्ती होती है ना। स्केवेंजर हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट, जो स्केवेंजर होते हैं वो किस में मदद करते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, क्लीन यानी साफ करने में मदद करते हैं। डैश आर नोन एज प्रोड्यूसर, किनको प्रोड्यूसर बोला गया है? प्लांट्स। किसको बोला गया है? प्लांट्स को क्या बोला गया है? प्रोड्यूसर बोला गया है। किसको प्रोड्यूसर बोला गया है? प्लांट को। द वाइट स्ट्रक्चर इन मूंग सीड आफ्टर जर्मिनेशन, यानी उगने के बाद मूंग के बीज में जो वाइट वाइट निकलता है, हमने जो एक्टिविटी की थी ना उसको क्या बोलते हैं? स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? एस पी आर ओ यू टी एस, स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? स्पॉट्स। स्पॉट्स का मतलब वो जो बाहर निकलता है ना भाग, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन हो जाता है, उसको हम स्पॉटेड सीड भी बोलते हैं। कौन से पार्ट को? राइट द एडिबल पार्ट ऑफ दिस प्लांट, इनके कौन से पार्ट को हम एडिबल, एडिबल यानी खा सकते हैं? रेडिश। रेडिश के हम किसको खाते हैं? रूट। किसको खाते हैं? रूट यानी जड़। स्पिनाच, स्पिनाच के हम किसको खाते हैं? लीफ, एल ई एफ। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब सब बताया था। टर्निप, टर्निप के हम किसको खाते हैं? रूट, आर डबल ओ टी। जिंजर, जिंजर के हम किसको खाते हैं? स्टेम। इनका सब हिंदी मैंने बताया था, जिंजर क्या है? अदरक है ना। बारकोली, बारकोली एक तरह का गोभी है ना, इसके हम किसको खाते हैं? फ्लावर, फूल गोभी है पर कलर अलग है बस। मेज, मेज यानी मक्का, मक्के के हम क्या खाते हैं? सीड यानी बीज को, एस डबल ई डी। तो हमने इस चैप्टर के क्या कर दिया? एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया, यानी करेक्ट ऑप्शन को भी किया, फिलअप को भी किया, और उसके बाद अब बच रहा है हमारा क्वेश्चन ब्रीफ वाला, और उसके बाद डिटेल वाले क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे पढ़ने के लिए है, और पढ़ने के बाद बाकी हमारा क्या है, क्वेश्चन आंसर करना है, जो एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज आपका काम है ये चेक योर सेल्फ को आपको करना है, और जो एक्सरसाइज मैंने बताई उसको भी आपके कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है, और उसको क्या करना है? लर्न करना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।